चार्ट बनाते हैं तो हमें एक डेटा चाहिए होता है। जब आपके पास एक डेटा है तो एक चार्ट आप बनाते हैं, बट क्या एक सिंगल नंबर पे हम चार्ट बना सकते हैं? तो आज हम इसी चीज पे आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक पर्टिकुलर नंबर पे कैसे चार्ट बनेगा, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ यहां पे 25% दिया हुआ है। 25% से किस तरह के चार्ट बन सकते हैं, इसी के हम आपको एक या दो एग्जांपल आपके साथ आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम डिवाइड बाय टू कर देते हैं और यहां हम इक्वल 50% माइनस इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पे 50%। हमने इस तरह से इसको कंट्रीब्यूट कर दिया है, ये तीनों का सम जो है वो 100% होगा। फिर इस तीनों को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम यहां पाई चार्ट में आते हैं और पाई चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं राइट क्लिक। अब इसमें क्या हुआ कि देखिए 50% में आधा आ गया, बाकी ये आपका दोनों का परसेंटेज है। अब देखिए इस चार्ट को मैं कैसे अपने तरीके से यूज करता हूँ। तो राइट क्लिक किया, इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ फॉर्मेट डेटा सीरीज। जी हाँ, राइट क्लिक करने के बाद हमने फॉर्मेट डेटा सीरीज पे आ गया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखिए एंगल है तो इसको हम 270 डिग्री पे रोटेट करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो 50% वाला पार्ट है वो आपका इस तरह से नीचे आ जाता है। फिर इस पर दो बार हम क्लिक करेंगे तो सिर्फ मेरा ये जो 50% वाला पार्ट है वही सिलेक्ट होता है। फिर इसकी कलर में जाके, फिल में जाके हम नो फिल कर देते हैं। तो नो फिल करने से क्या हुआ, अब देखिए ये जो 380 डिग्री पे था वो है, वो अब 360 डिग्री पे था, सॉरी अब वो 180 डिग्री पे आ गया। उसके बाद फिर मैं इसको दो बार सेलेक्ट करता हूँ और इसकी जो सॉलिड कलर है उसको हम यहाँ ब्लैक, पिंक या ग्रे जैसा देना देना चाहे, जो आपको सुटेबल हो वो कर दीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए। इसकी जो सॉलिड कलर है हमने इसको दिया ब्लैक, इसमें बीच में व्हाइट है मतलब कि बॉर्डर है तो उसको नो बॉर्डर कर देते हैं और इसको भी सिलेक्ट करके मैं नो लाइन या नो बॉर्डर कर देता हूं। ओके, अब मैं राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाता हूं और सिलेक्ट डेटा पे इसको एडिट पे आता हूं। यहां जो टाइटल है, टाइटल में मैं इस नंबर को सिलेक्ट कर लेता हूं और इसको जहां उठा के रखना है हमें रख सकते हैं। मैं इसको उठा के यहां रखना है तो यहां रखिए, कहीं और रखना है तो कहीं और भी रख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, या थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो इसको अपने हिसाब से पहले फॉर्मेट को एडजस्ट कर लें जैसा आपको करना है। उसके बाद हम इसी पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट पे जाते हैं। फॉर्मेट में देखिए यहाँ टेक्स्ट बॉक्स दिखता है, तो टेक्स्ट बॉक्स में मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने कर दिया 0% और इसको मैंने उठा के यहां रख दिया। उसके बाद फिर वापस हम फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट बॉक्स पे गए और इसको हम यहां पे 100% कर देते हैं। उसके अलावा मैं यहां पे 50% लिखता हूं और फिर वापस इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में। अब देखिए जो इसका जो बार है वो आपने अपने हिसाब से जैसा बनाना चाहे वैसा बना सकते हैं। ओके, अब देखिए अब इसको किसको कहीं कट करके भी ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10%, 20%, 30%, 40%, 60%, 70%, 80%, 90%। तो गैरी जी एंड बाकी लोग, क्या समझ में आया है चीज आपको? यस सर।
तो एक पर्टिकुलर नंबर को भी इस तरह से हम कर सकते हैं। इसमें और भी ज्यादा अगर हम डालें फॉर्मेटिंग करें तो और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। इसी में हम आपको दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे दूसरे